हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आखिरकार न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है बिहार पुलिस में। तो दोस्तों, आप लोग खुश हो जाइए, इसका टाइम फिक्स कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आपकी बिहार में जो पुलिस की भर्ती आनी है नई, उसका टाइम फिक्स कर दिया गया है। मीटिंग हुई थी, उसके थ्रू प्रेस को जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है आपको, वो मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको बिहार से संबंधित हर एक न्यूज को आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक चीज को। लेकिन आपसे बता दें, यदि आप चाहते हैं कि PSLG 2 क्विज में आप रजिस्टर करें, आप भी एग्जाम दें और आप भी विनर बने, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक होंगी। एक होगी रजिस्टर करने की और एक होगी आप जान सकते हैं कि आखिरकार एक क्विज है क्या। इसमें GK के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विनर कितने कहाँ तक हो सकते हैं, सारी चीज आप जान सकते हैं। वहां पर आप फर्स्ट विनर रहेंगे तो आपको 50 से लेकर आपके क्या 50,000 तक इनाम आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और टॉप टेनर आप लोगों के जो टॉप 10 विनर है उनको फाइंड किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप जाइएगा, रजिस्टर जरूर कीजिएगा। इसी 7 तारीख को इसका एग्जाम है, 7 तारीख को रात्रि 8 बजे कंडक्ट होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन को कि आखिरकार कैसे क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, जहां पर देख सकते हैं आप क्या 2,500 दरोगा व 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की तैयारी, विज्ञापन दिसंबर माह तक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो फिक्स कर दिया गया है, मीटिंग हुई थी, मीटिंग के द्वारा आपके न्यूज वालों को इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने यहाँ पर रिलीज कर दी। आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर विज्ञापन दिसंबर माह तक बोले गए हैं। अनु शर्मा पटना, राज्य सरकार दरोगा के 2,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे बोला है सिपाही के भी करीबन 10,000 पदों को भरने का खाका खींचा जा रहा है। यहाँ पे बोला है वही कोरोना के कारण दरोगा को रुकी हुई परीक्षा को आयोजित करने के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का वेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्कूल और कॉलेजेस जैसे ओपन होते हैं, आप लोगों की जो प्रक्रिया है कंटिन्यू हो जाएगी, जो प्रोसेस अभी रुकी हुई है और जो आगे चल के होनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गृह विभाग के उप सचिव ने शपथ पत्र रायकर कोर्ट को जताया था कि राज्य में दरोगा के करीबन 4,500, यहाँ पर बोला है कि 86 सिपाही के और 22,655 और चालक के सिपाही के यहाँ पर 2,039 पद रिक्त हैं। इन पदों को आपका 2023 तक भरा जाना चाहिए था, ऐसा इन्होंने बोला था। आपके 2020 में इनकी भरने की प्रक्रिया चालू हो गई थी और भरे भी जाएंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कोरोना लग गया जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रक्रिया डप हो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल कॉलेज खुलते ही होगी रुकी हुई परीक्षाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरोना के कारण दरोगा के 2,446 पदों के लिए मुख्य परीक्षा व प्रवर्तन आवर निरीक्षक के यहाँ पे 212 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा रुकी गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के यहाँ पे बोला गया है कि ISD अशोक कुमार बताते हैं कि तैयारी पूरी है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब इनका कि तैयारी इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, तैयारी बिल्कुल पूरी है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस खोलने का वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर टोटल 2,500 दरोगा व 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की तैयारी, विज्ञापन दिसंबर माह तक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे है कि लोगों का जो यहाँ पे बोला है कि सिपाही के भी करीब 10,000 पदों को भरने का खांचा खींचा जा रहा है। वहीं कोरोना के कारण दरोगा की रुकी हुई परीक्षा को आयोजित करने के लिए स्कूल कॉलेजेस खोलने का इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम बात वही की गई है और यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है कि राज्य में आपका जो यहाँ पर टोटल दरोगा के 4,586 और आपके 22,655 और आपके चालक सिपाही के 2,039 पद रिक्त हैं। पदों को 2023 तक भरना था, अब जाएगा सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह गृह विभाग को 2020 तक सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश या निर्देश दिया था। गृह विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम कर रहा था, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया डिले हो गई। तो आखिरकार अब आप लोगों का जो मीटिंग्स हुई और ऐसा न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप मान लीजिए
दोस्तों दिसंबर माह है, यहाँ पर आप लोगों का फिक्स कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, आपका जो टाइम है बिल्कुल फिक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नई नियुक्तियों, यहाँ पे नई नियुक्ति का बन रहा है ड्राफ्ट। यहाँ पर सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय दरोगा के करीब यहाँ पर 2500 और सिपाही के करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की क्या है कवायद में जुटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए डबल डबल चांसेस मिल रहे हैं, मतलब एक तो आप पहले से इस वैकेंसी का पेपर दे चुके हैं और अभी वही फिर से आ रही है वैकेंसी, तो मतलब जिनके कम भी मार्क्स है ना तो उन लोग आशा ना तोड़ें, फिजिकल की तैयारी भी करते रहें। यदि आपका जे क्रैक हो रहा है तो आप बहुत अच्छी बात है, जॉब अभी पा जाएंगे, और यदि जे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जो आपको एक और गोल्डन चांस मिलने वाला है, मतलब एक और मौका मिलने वाला है, तो आप उसको हाथ से मत जाने देना। जी हाँ फ्रेंड्स, और अभी आपकी तैयारी होगी करीबन 50% से ज्यादा ही होगी, जिसका पेपर खराब गया है तो आप थोड़ा सा और जोर लगाने की आवश्यकता है, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे और बिल्कुल आप जॉब ले लेंगे, डन है। अब यहाँ पे देखिए क्या आईजी कार्मिक और गृह विभाग ने इसका ड्रॉप लगभग तैयार कर लिया है, मतलब कि यहाँ पर तैयारियां इनकी पूरी हैं। उम्मीद की जा रही है कि दरोगा के 2446 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का पूरा होते ही नई नियुक्ति का विज्ञापन आएगा, दिसंबर से पहले इस प्रक्रिया को शुरू होने की उम्मीद है। मतलब यहाँ पे दिसंबर बोला जरूर है 2020, इससे पहले भी इसका नोटिफिकेशन आउट हो जा सकता है। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार यदि आप कर रहे हैं तो अभी से स्टडी में लग जाइए, ओके। यदि आपका पेपर खराब गया है तब, और यदि आपका अच्छा गया है आप इसी बार क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करते जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।